की तरफ से विधानसभा तारीखों के ऐलान होने के बाद राजस्थान में निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया को अहम जानकारी देते हुए कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या नया होने वाला है। कि निर्वाचन आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी है और चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जैसा कुछ दिन पहले जब हम मिले थे, जब हमने वोटर लिस्ट को पब्लिश किया था 28 तारीख को, उसके अंदर हमने बताया था कि हमारे यहाँ पर 4.74 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 2.47 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 2.27 करोड़ महिला मतदाता हैं। इस बार जो सबसे नई चीज़ होने जा रही है कि सभी मतदान केंद्रों पर हमारे यहाँ पर 51,796 मतदान केंद्र हैं। ये संख्या थोड़ी ऑक्सिलरी बूथ इसमें हो सकते हैं संख्या के हिसाब से 51,796, ये हम आपको दे देंगे पूरा, जो है हम डिटेल दे देंगे आपको अभी सारा। इसमें सभी जगह वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से आप ये देख सकेगा, जो भी वोटर मतदाता अपना मत डालेगा वो देख सकता है कि उसने किसको जो है वो डाला है। 7 सेकंड के लिए उसमें उसका नाम जो है जिस भी कैंडिडेट को डाला वो दिखाई देगा, तो अच्छे से उसको पता चल सकता है कि किसको उसने वोट दिया है। हमारे पास जो मतदान केंद्र हैं 51,796, इसमें 9,480 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में हैं और 42,316 मतदान केंद्र ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की जो औसत है वो 917 है। गत विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान राज्य में 47,223 मतदान केंद्र थे और प्रति मतदान केंद्र की औसत जो है वो 862 थी। अभी भी जैसे वोटर लिस्ट हमारी फाइनली पब्लिकेशन हो चुका है, लेकिन लास्ट डे जो नॉमिनेशन जो रहता है उससे 10 दिन पहले तक वो अपना फॉर्म जो है जमा करा सकता है। नाम जुड़वाने के लिए, हटाने के लिए आपत्ति भी लगाई जा सकती है। 1 सप्ताह का नोटिस रहता है और 3 दिन प्रोसेस करने में लगते हैं, इसलिए उससे 10 दिन पहले तक भी अगर किसी का नाम छूट गया है तो नाम उसके अंदर जुड़वाया जा सकता है। अभी कल 7 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और हमने सभी राजनीतिक दलों के जो भी प्रतिनिधि आए थे उनको पहले भी कहा था और अभी भी कहा था कि उनके जो बूथ लेवल एजेंट हैं उनको सक्रिय करें, उनको कहें कि कल जो है उपस्थित रहें। और पहले भी जो अभियान हमारा 2, 3 और 4 अक्टूबर को चला उसमें भी हमने कहा था, अभी भी अगर किसी व्यक्ति का नाम गलती से उसमें छूट गया है, डुप्लीकेट जिसको समझा कह सकते हैं, या किसी का नाम छूट गया है, वो मौके पर ही अपना नाम के लिए जो है फॉर्म जमा करा सकते हैं। मतदाता अपना नाम किस प्रकार से, मतदाता सूची में कहाँ है उसको पता करने के लिए हमने पहले भी आपको, पिछली बार हमने आपको दिखाया था कंप्यूटर के ऊपर कैसे उसको देखा जा सकता है। एक तो nvsp.in के ऊपर जा करके आप अपना चेक कर सकते हैं कहाँ पे आपका नाम है। एक हमने आपको नंबर दिया था 9680999899, इसमें अगर आप मैसेज भेजते हैं vote.rj और अपना ईपिक नंबर डालते हैं तो कहाँ पे आपका नाम है उसके अंदर शो कर देता है। बताते चलें आपको, मोदी काल में कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम मशीनों को हैक करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग चुका है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।